यार ये भी एक डिज़ाइन है भाई, दिखा रहे हैं ये सबसे ऊपर लगा ये। तो यार इन दोनों में कन्फ्यूज़ में, वैसे मुझे तो ये वाली ज़्यादा पसंद आ रही है ब्लैक वाली। ये पेंट होने के बाद जो है ना वो चीज़ बन जाएगी, काफ़ी खूबसूरत लगेगी। तो अभी हम कन्फ्यूज़ हैं यार, क्या करें समझ नहीं आ रही। एक तो आते हैं जेनुइन मेहरान के वाइड एंगल वाले। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हम वाइड एंगल वाले मिरर लगाएं या एक आते हैं इंडिकेटर वाले। ये बस मैंने आप लोगों पे छोड़ी, जिसके ज्यादा कमेंट्स आएंगे ना हम फिर वो देख लेंगे। अस्सलामु अलैकुम बॉयज़, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ सब बॉयज़ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरी से होंगे, अपनी जिंदगी को फुल एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों को भाई भी एकदम चौकस मॉल में। बॉयज़ अगर तो आप लोग हमारी अगली सीरीज फॉलो करें तो आप लोगों को पता होगा कि हमने मॉडिफिकेशन स्टार्ट की थी अपनी लेक्सी की। लास्ट वाली वीडियो में भी हमने बॉडी किट्स इंस्टॉल करवाई थी। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो यार लास्ट वाली वीडियो जरूर से चेकआउट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा और एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, आप लोग वो वाली वीडियो जरूर से चेकआउट करना। एनीवेज बॉयज, वैसे ऑफ कैमरा मैंने थोड़ी सी फनकारी करने की कोशिश की है अपने पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका। फनकारी मैंने यह करने की कोशिश की है कि यह हमारी बॉडी किट बम्पर उतार के मैं अंदर ले आया था। बम्पर के साथ ही बॉडी किट लगी हुई है, यह हमारी मेहरान का बम्पर, ठीक है। अभी इसका आप लोगों को पता होगा मेहरान का बम्पर ये थोड़ा सा कर्व है, ये आप लोगों के एंड से नजर आ रहा होगा ना, ये कर्व है। अब मेरे जहन में ये अपने जहन में वैसे ही सोचे जा रहा हूँ, मैंने कहा यार ये बम्पर है ये कर्व है, इसके बाद ये खत्म हो रहा है, यहाँ पे बॉर्डर आता है, बॉर्डर के ऊपर बॉडी किट लगी है। मैंने कहा ये कर्व है, कर्व के बाद बॉडी किट स्टार्ट हो रही है, मैंने कहा यार ये कहीं बाद में बुरी ना लगे। मैंने जहन में ये सोचा कि ये जो हमारी बॉडी किट है ना ये इस जगह पे होनी चाहिए, इस जगह पे ये जो हमारा कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से इधर नीचे की तरफ अंदर की तरफ बम्पर आ रहा है। अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो यहाँ से बम्पर अंदर आ रहा है ना, मैंने कहा ये जो बॉडी किट है ना इससे कर्व अंदर की तरफ जाए ना, साथ ही हमारे जो है ना बॉडी किट स्टार्ट हो जाए। तो इस फनकारी के चक्कर में मैंने यहाँ से बॉडी किट उतारी, मैंने शुरू किया काम, रिपटें जितनी भी थी सारी मैंने रिपटें रिमूव की। इतना तो मुझे आइडिया था कि बॉडी किट इधर ऊपर लगेगी ना तो थोड़ा यहाँ पे दरमियान में जो है गैप आ जाएगा, लेकिन सोचा हुआ मैंने ये था कि हम बॉडी किट अगर गैप आ गया ना इंस्टॉल हो गया हम इसमें कामयाब हो गए, तो मैंने यही सोचा हुआ था कि हम शमीर भाई के पास ले जाएंगे, यहाँ पे वो प्रोटीन बार की जो फाइबर होती है ना वो रेशे रेशे होती है तो वो हम इधर लगा देंगे, पक्का सीन हो जाएगा। तो मैंने अपने जहन में ये सोचा हुआ था, लेकिन यार जब ये मैंने बॉडी किट उतारी ना, मैंने ऊपर लगाने की कोशिश की तो हमारी कहीं फिटिंग नहीं बैठ रही थी, क्योंकि ये मेहरान की जैनमन किट तो है नहीं है, किसी बड़ी गाड़ी की किट है, तो यहाँ पे हमारी यहाँ से फिटिंग सही नहीं बैठ रही थी। ये जो जगह है ना यहाँ से ये कर्व है, ये इधर एक कर्व है, ठीक है, यहाँ से अब ये बैंड नहीं हो रहा था। मैंने बड़ी इसकी कोशिश की है, यहाँ पे इधर ऊपर की है, बाकी सारा तो चलो फिर फिटिंग में कहीं ना कहीं से जो है ना जोर जबरदस्ती करके लगा ही लेता, लेकिन ये जो जगह थी ना ये बैंड हो नहीं रही थी। यहाँ से बॉडी किट जो है ना इस तरह स्ट्रेट आ रही थी, यहाँ से इस तरह मोड़ रही नहीं थी, बैंड नहीं हो रही थी। तो फिर बड़ी मैंने कोशिश की है लेकिन उसके बाद में कामयाब नहीं हो सका। तो फिर मैंने ये बॉडी किट जो है ना, मैंने कहा अल्लाह खैर सलाह जिधर लगी हुई है, फिटिंग तो पहले से बनी हुई थी, सुराख हुए हुए थे, तो मैंने उधर ही जो है ना ये स्क्रू लगा दिए, इसके पिछली साइड पर जो है मैंने नेट लगा दिए, ये नेट लगा दिए। ये अब उससे भी ज्यादा जो है ना रिप्टों से ये ज्यादा पक्का सिस्टम है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। अब इधर जो है ना अभी तो ये सिंगल है ना, मैं कल जाके एक एक नट और ले आऊंगा और इसके ऊपर और चढ़ा दूंगा, फिर ये अपनी जगह से कहीं पे भी नहीं जाने वाला। तो ये हमारी बॉडी किट है, ये मैंने वैसे थोड़ी सी फनकारी अपने पास से करने की कोशिश की है लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका। कोई बात नहीं, मैंने शमीर भाई को भी बोला, सारों से मैंने पूछा यार, वो कहते हैं किट हम इंस्टॉल इधर ही करते हैं, जो मेहरान का यहाँ पे आप लोगों को अगर ये बॉर्डर नजर आ रहा हो ना, इसके नीचे मेहरान का इधर बॉर्डर होता है, नीचे लिप उसे कहते हैं, ये जगह ये इंस्टॉल होने की। तो मैंने कहा यार ठीक है, अभी जैसी है बस इसको हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पेंट होगी रफ कट लगेगा, पेंट होगी इंशाल्लाह जो है ना सही चस करवाएगी उसके बाद, तो देखेंगे इन फ्यूचर हो सकता है इसे जब हमारा दिल भर जाए हम ये किट ही पूरी चेंज कर लें, तो वो अब बाद की बातें देखेंगे। एनीवेज बॉयज, अभी का सीन ये है कि बॉडी किट तो हमारी डन हो चुकी है। वैसे तो इस वीडियो में स्पॉइलर का मेरा जहन था कि अभी हम जो है स्पॉइलर लें, लेकिन स्पॉइलर में थोड़ी सी तखीर है इस वजह से कि मैं बेहतर की तलाश में हूँ, फुल रिसर्च जारी है उस पर। मैंने काफी सारे बंदों को बोला है, शमीर भाई को भी बोला, अभी तक उनकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा था। मैंने कहा थोड़ी सी देर है तो हम टाइम जाया नहीं करते, अपना जो छोटी मोटी और चीज़ें उनको हम पूरा कर लेते हैं। तो इस वीडियो में प्लान यही है कि हम मेहरान की फ्रंट ग्रिल की तरफ जाएंगे, फ्रंट ग्रिल ढूंढेंगे कहीं से अच्छी सी सही पप्पू सी जो है ना फ्रंट ग्रिल ढूंढ के लाएंगे। ये जो हमारी जानवर मेहरान की थी हमने इधर से ही ली थी, इधर भी पता कर लेता हूँ, काफी सारी शॉप्स हैं इधर डेकोरेशन की, इधर से भी पता कर लेता हूँ, ना हुआ तो देख लेंगे यार जहाँ से मिली। एनीवेज बॉयज, इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग अगर अभी तक चैनल पर नए और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जरूर से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल भी कर देना और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, ठीक है। तो यार पहले मैं एक दुकान पे गया, उधर से ग्रिल नहीं मिली, दूसरी पे गया, तीसरी, तीन चार दुकानों में पता करने के बाद इधर से वो ग्रिल मिल रही नहीं है, मतलब मिल रही है जो जेन्युइन मेहरान की आती है ना वो वाली ग्रिल मिल रही है, जो फैंसी या मॉडिफाइड वाली ग्रिल होती है ना वो यहाँ से मिल रही नहीं है। सारे यही कह रहे हैं कि आपको जाना पड़ेगा सुल्तान की खूह पे,
यार बात फिर से वही है कि हमारी सुई जो है ना आके सुल्तान खूब ही अटकती है। एनीवेज बॉयज बाकी सारी बातें छोड़ें, आप लोग मौसम आप लोग देखें, फुल जो है ना हैवी बारिशों वाला मौसम हो रहा है। देखते हैं यार अभी मगरी को टाइम होने वाला है कि आप तभी जाएं ना जाएं सुल्ताने खूब पे। अब मैं कंफ्यूज ही हूँ कि आप तो आज जाएं या हो सकते हैं कल जाएं। तो यार अभी मगरी की बात निकलने लगा तो सोचा मगरी की नमाज पढ़ के चलते हैं, मगरी की बात ये चेक कर सकते हैं आप लोग, बारिश स्टार्ट हो गई है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। The next day. तो यार नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और हवाएं चाह रही है बड़े मजेदार किस्म की, और अभी हम जा रहे थे सुल्ताने खूह की तरफ जुमा पढ़ने के बाद। वैसे यार आज फिर से बड़ी कड़ाकेदार किस्म की धूप लगी हुई है, लेकिन यह है कि हवाएं सही ठंडी ठंडी चाह रही है। पूछा मैंने कुछ यार इधर खूबे तो हम पहुंच गए, मोस्टली दुकानें तो बंद हैं, जो खुली हुई हैं उन पे भी पता करते हैं। ये हमें ग्रिल मिली है, ये मुझे पसंद आई है, यही मुझे चाहिए थी, ये लेने के लिए आया था। ये भी बिल्कुल ब्लैक है, हमने पेंट शेंट तो वैसे भी करवानी है, इस पर रफ कट लग के जो है ना ये पेंट हो जाएगी, फिर पेंट होने के बाद वो लगी हुई है सेकेंड नंबर, ये इस तरह की हो जाएगी। तो ठीक है ये मिली ग्रिल जो है हम हो सकता है डन करें, और भी वैसे मार्केट विजिट कर लेते हैं कि अब तक कोई से भी अच्छा डिज़ाइन मिल जाए। यार ये भी एक डिज़ाइन है भाई दिखा रहे हैं, ये सबसे ऊपर लगा हुआ तो यार इन दोनों में कन्फ्यूज़ हूँ। वैसे मुझे तो ये वाली ज़्यादा पसंद आ रही है ब्लैक वाली, ये पेंट होने के बाद जो है ना वो चीज़ बन जाएगी, काफ़ी खूबसूरत लगेगी। तो अभी हम कन्फ्यूज़ हैं यार क्या करें, समझ नहीं आ रही कि इन दोनों में यार। वैसे पर्सनली बताऊँ तो ये वाला डिज़ाइन मुझे पसंद आ रहा है। A few moments later. तो यार यही वाली ग्रिल हमें पसंद आई है, यही हमने ले लिया, बस अभी घर की तरफ जा रहे हैं। बाकी इसको मैं तसल्ली से आप लोगों को घर पहुंच के दिखाता हूँ। तो यार फाइनली हमारा फ्रंट ग्रिल वाला रफड़ा भी खत्म हो गया है, हम फ्रंट ग्रिल लेके आ चुके हैं, ये सामने पड़ी हुई है, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ तसल्ली से। एक मिनट इसको शॉपर से भाई निकाल रहा हूं। बॉयज यहाँ पर है हमारी ग्रिल, माशाल्लाह। बॉयज हमारे पास ग्रिल की भी अच्छी खासी कलेक्शन जो है ना इकट्ठी हो चुकी है। एक तो ये ग्रिल है माशाल्लाह काफी अच्छा डिजाइन है ये, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, जब ये रफ कट होगी और इसके ऊपर पेंट होगा ना उसके बाद मैं इसको फुल जो है ना तैयार करूंगा इस ग्रिल को। इसके ऊपर यहाँ पर मोनोग्राम लग जाएगा, ये इधर ये सारे जो है ना अभी ग्रिल तैयार होगी, अभी ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अभी ये इसका डिजाइन ही जो है ना सिर्फ यही बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह जिस टाइम ये गाड़ी पे इंस्टॉल होगी ना उस टाइम सही चास कराएगी। ये एक हमारे पास ये वाली ग्रिल होगी है, फाइनलाइज मैंने यही किया है कि हम एक तो इस वाली ग्रिल को जो है पेंट करवा लेंगे, एक जो हमारी गाड़ी पे लगी हुई है यार वो मेरे दिल के बड़े करीब है, वो वाली ग्रिल बहुत मुझे पसंद है, वो एक हम उसको पेंट करवा लेंगे, एक हमारे पास ये वाली ग्रिल है इसको हम पेंट करवा लेंगे, और एक हमारे पास जैनवन मेहरान की है ये पड़ी हुई है, वो भी ये भी अभी आप लोग, ये हमारे पास मेहरान की जैनवन वाली ग्रिल है, इसको यार मैं पेंट नहीं करवा रहा क्योंकि ये पेंट हुई भी मिल जाती है वैसे भी मार्केट से, और वैसे भी यार ये जैनवन है इसको हमने क्या करने लगा के, इसको मैं पेंट नहीं करवा रहा, एक हम इसको करवा लेंगे। यार इन दोनों के मुकाबले में इसको साथ रख के आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ से आप लोग जज कर सकते हैं कि कितनी ये जो है ना फैंसी टाइप खूबसूरत टाइप जो है ना ये ग्रिल है। एक हम इस वाली ग्रिल को पेंट करवा लेंगे, और दूसरे नंबर पर जो हमारी गाड़ी पे ग्रिल लगी हुई है उसकी यहाँ पे पिक आप लोगों को नजर आ रही होगी, एक हम वाली ग्रिल पेंट करवा लेंगे। और यार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आप लोग बोलोगे ना तो जो हमारी एक ग्रिल जाएगी ना शॉप पे हम वाली ग्रिल भी लेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हमारे पास ग्रिल्स की जो है ना अच्छी खासी जो है ना कलेक्शन इकट्ठी हो जाएगी। ये वाली ग्रिल है इसको भी मैं तैयार करूंगा पेंट होने के बाद, इस पे मोनोग्राम वगैरह सारा लगाऊंगा, जो हमारी दूसरी गाड़ी पे लगी हुई है उसके ऊपर ही मोनोग्राम वगैरह सारा लगा के जो है ना फुल एकदम यम पम सीन कर देंगे इंशाल्लाह। और यार हमारे काफी सारे भाई बोल रहे थे कि यार अपना एक्वेरियम दिखाओ, एक्वेरियम की क्या रिपोर्ट है, इवन कि मुझे पर्सनल में डीएम्स आ रहे हैं कि अपने एक्वेरियम की फोटो सेंड करो वीडियो सेंड करो। वैसे यार मुझे आइडिया नहीं था कि आप लोगों का एक्वेरियम इतना पसंद है। वैसे यार एक्वेरियम की तरफ एक बैड न्यूज है वो मैं अभी आप लोगों को अंदर चल के बताता हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी सी आप लोगों से और डिस्कशन करनी थी कि मिरर जो आते हैं ना मेहरान के साइड मिरर, एक तो आते हैं जैनवन मेहरान के वाइड एंगल वाले, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि हम वाइड एंगल वाले मिरर लगाएं या एक आते हैं इंडिकेटर वाले, क्या बोलते हो फिर? ये बस मैंने आप लोगों पे छोड़ी, जिसके ज्यादा कमेंट्स आएंगे ना हम फिर वो देख लेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि हम वाइड एंगल वाले मेहरान के जैनवन मिरर आते हैं वो ले लें या जो इंडिकेटर वाले मिरर आते हैं हम वो वाले मिरर लें।
तो यार यहाँ पर है हमारा एक्वेरियम यार, माशाल्लाह बोल दिया करो, पिछले दिन ही अच्छा खासा नुकसान हुआ है। वह सीन ये हुआ है, मैंने पिछली दफा दिखाया था यहाँ पे, आप लोगों ने देखी होगी, दो बड़ी बड़ी मछलियां थी व्हाइट कलर की। तकरीबन साल इतना कितना अरसा हो गया था इसी एक्वेरियम में, ठीक ठाक यार इसी एक्वेरियम में रह रही थी, कभी उन्होंने कोई पंगा करने की कोशिश नहीं की। उस दिन पता ही नहीं क्या हुआ है, यहाँ पर हमारी दो व्हाइट कलर की सेम यही चीज बड़ी मछलियां थी। उन मछलियों ने क्या किया, ये जो छोटी मछली है ना, इसके साथ की बड़ी मछली थी हमारे पास, सबसे पुरानी मछली हमारे पास मेरे ख्याल से इस एक्वेरियम में सबसे पुरानी मछली हमारे पास वही थी। काफी टाइम हो गया, तकरीबन दो एक साल या इतना कितना अच्छा खासा टाइम हो गया था उस मछली को हमारे पास। अब उन बड़ी मछली ने क्या किया कि वो जो छोटी हमारी मछली थी ना, जिसको काफी टाइम हो गया था हमारे पास, उस मछली की जो है ना आंखें निकाल के खा गई। मैं अब नॉर्मल रूटीन में इन्हें फीड डालने के लिए आई हूँ, बाकी सारी मछलियां ऊपर फीड खा रही थी, वो मछली जो है इधर नीचे अकेली फिर रही थी। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, ये फीड क्यों नहीं खा रही। जब मैंने गौर किया उसकी दोनों आंखें नहीं थी, एक नहीं बल्कि दोनों आंखें नहीं थी उसकी। फिर बैठ के मैं सोचने शुरू हो गया, मैंने कहा यार उसकी आंखें जा के दे सकती हैं। थोड़ी देर में इधर बैठा तो देखा व्हाइट वाली मछलियां जो थी ना, वो बाकी सारी मछलियों की भी उसकी तो चलो खा चुकी थी, ये बाकी जितनी मछलियां ने इनकी सिर्फ आंखों में मार रही थी, बाकी और किसी जगह पे भी कोई कुछ नहीं खा रही थी, लेकिन आंखों के ऊपर जो है ना अटैक कर रही थी। मैंने कहा इससे पहले यार किसी और मछली को कोई नुकसान कर दें, तो मैंने पहली फुर्सत में जाके दिया यार, इतना टाइम हो गया रखी हुई, इतनी प्यार से रखी हुई है, फिर वो कोई मर जाए तो यार बड़ा दुख होता है। बात तो सही है। और यार अभी मैं देखता हूँ कोई प्यारा सा एक पेयर ले आऊंगा। तो यार एक्वेरियम तो आप लोगों ने देख लिया है। एनीवेज बॉयज इस वीडियो को मैं इधर ही एंड करूं, आप लोग अगर अभी तक चैनल पर नहीं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जरूर से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे कर देना और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो बस फिर मैं चलता हूं, मिलते हैं जल्दी, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए पीस आउट।